आज काशी की अदालत ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया है और उससे विश्व के सब हिंदुओं का हृदय आनंद से भर गया है। ज्ञानवापी ढांचे के तहखाने के दक्षिण भाग में एक मंदिर स्थित है। 1993 तक, माने अब से 31 साल पहले तक, उस मंदिर में भगवान की नियमित पूजा अर्चना होती रही थी। 1993 में वहां बाढ़ लगा दी गई, जाना आना बंद कर दिया गया और अन्यायपूर्वक हिंदुओं को वहां उनकी पूजा के अधिकार से वंचित कर दिया था। इस बात के लिए मुकदमा कायम किया गया। थोड़े समय पहले वादी की प्रार्थना पर कोर्ट ने वहां के जिला मैजिस्ट्रेट को उस जगह का रिसीवर तय कर दिया और उसकी सुरक्षा संभाल का दायित्व दिया, पर उस आदेश में पूजा अर्चना के बारे में कुछ लिखा नहीं था। तो वादी दोबारा कोर्ट में गए और हमको बहुत प्रसन्नता है कि कोर्ट ने ये कहा कि वादी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट मिलकर एक पुजारी की नियुक्ति कर लें और वो पुजारी इस बात के लिए सन्नत रहे कि भगवान की नियमित पूजा अर्चना होती है, विधि पूर्वक होती है, सेवा होती है। यह 31 वर्ष बाद मिला, इतना समय क्यों लगा ये सोचना होगा, पर जब मिला तब अच्छा है। हम इसमें भविष्य की भी आहट देखते हैं और इसलिए हमको उम्मीद है कि इस फैसले के बाद में जो पूरा ज्ञानवापी परिसर है उसके भी मुकदमे का फैसला जल्दी होगा और हम सब लोग प्रमाणों और तर्क के आधार पर आश्वस्त हैं कि वह फैसला हिंदुओं के पक्ष में आएगा। मैं हिंदू समाज को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ। ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.